नाम है अमित खट्टर और मैं आज आपको सिखाऊंगा किसी भी सॉलिड या किसी भी सरफेस को फ्लैटन कैसे करते हैं एनएक्स के अंदर। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सॉलिड बॉडी को फ्लैटन किया था, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सरफेस बॉडी को फ्लैटन करना सिखाऊंगा और उसके फ्लैटन करने का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैश के अंदर, स्ट्रेस में क्या फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेन में क्या फ़र्क पड़ता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेस में क्या फ़र्क पड़ता है। ये स्ट्रेस आ रहा है कि कहाँ किस एरिया पे ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, किस एरिया में कम लगेगा। उसके बाद स्ट्रेन देखेंगे किस जगह पे स्ट्रेन ज़्यादा लगता है, और ठीक है, और किस जगह उसका हमारे को अगर फ्लैटन देखना हो तो फ्लैटन व्यू भी देख सकते हैं, मैश में भी देख सकते हैं, और उसकी थिकनेस पे कहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये भी देखेंगे। और एक चीज़ इसमें और देखेंगे, इसमें हमने कंस्ट्रेन लगा रखा है, यहाँ से ये देखो, अगर मैं इसको टॉप भी दिखाऊँ तो ये दो लाइनों का कंस्ट्रेन लगा रखा है, भाई इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, कि ये हमारी जो एज है वो सेम साइज़ की रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी की का फ्लैटन सरफेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट भी जनरेट करनी मैं सिखाऊंगा कि ये रिपोर्ट जो जनरेट हुई है वो कैसे जनरेट हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कैम सॉल्यूशन लुधियाना चैनल है हमारा, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी जो मोस्टली इंडस्ट्री में आती है कि हमारे पास कोई शीट मेटल का या फोर्जिंग का है तो हमारे को उसके लिए कितनी बड़ी शीट चाहिए, उसके लिए ब्लैंक साइज़ कितना चाहिए, तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहती थी। और जो फोर्जिंग के कंपोनेंट होते हैं, जो जो प्रेस पे ज़्यादा बनेंगे, जिसमें फॉर्मिंग ऑपरेशन ज़्यादा होगा, उनका निकालना मुश्किल होता था, तो उसके लिए फॉर्मेट सिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं, शुरू से करते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये मेरा मॉडल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक कमांड होती है एनालिसिस में, फॉर्मेबिलिटी कॉन्स्टेंट। तो पिछली बार हमने जो किया था वो हमने किया था सॉलिड बॉडी के ऊपर, इस बार हम करेंगे सरफेस बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर। तो फेस क्योंकि ये सरफेस बनी हुई है तो हमारे को इसको थिकन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सीधा ही फ्लैटन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटायर यूनिफॉर्म में जाएंगे और सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें एक हमारे से पूछता ही है यूनिफॉर्म कर्व, यूनिफॉर्म कर्व का मतलब क्या है कि इसमें एक हमारे को एरिया बताना है जो फ्लैट है, जो सही है। आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ताकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े मैश के अंदर, ताकि उसको फ्लैटन करने के लिए हमारे को प्रॉब्लम ना आए, कि हम ये वाला पोर्शन तो सीधा ही रखना चाहते हैं। इसमें यूनिफॉर्म पोर्शन कौन सा है, हम ये चारों पोर्शन दे सकते हैं कि ये चारों यूनिफॉर्म पोर्शन है, या एक भी दे सकते हैं। तो उसकी बाउंड्री सिलेक्ट कर लेंगे, जिस जिस एरिया को आपने इसको बताना चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, अदरवाइज फिर उसके ऊपर वो मैश लगाने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमने उसको ये बाउंड्री बता दी, ठीक है। चाहे तो हम और भी कर दे सकते हैं, फिलहाल हमने ये कर दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे को इसको देना है कंस्ट्रेंट लिस्ट। कंस्ट्रेंट लिस्ट क्या है, कंस्ट्रेंट लिस्ट है भाई, अगर हम इसको पॉइंट दे देंगे, भाई ये दो पॉइंट अपनी जगह पे रहने चाहिए, ये जो दो यहाँ पे कर्व भी हैं, कर्व लॉन्ग कर्व भी है, तो हम इसमें दो कर्व दे देंगे, चाहे हम ये वाली कर्व दे देते हैं और एक कर्व ये दे देते हैं कि हमारी ये बाहर, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, ये वेक्टर डायरेक्शन में दे दिया हमने, कर्व टू कर्व में जाएंगे और वहाँ पे दो कर्व देंगे, एक कर्व ये और एक कर्व ये। वेक्टर डायरेक्शन हमारे को देना है कि हमारा ड्रॉ किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए हम ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्शन कर देते हैं नीचे। पर इसको ड्रॉ डायरेक्शन से पहले हमारे को मटेरियल भी देना होता है, क्योंकि मटेरियल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि उसकी शेप में कितनी डिफॉर्मेशन होनी है। तो हम यहाँ पे स्टील दे सकते हैं, कोई भी अलॉय स्टील दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टील मेटल ले लिया, और उसके बाद हमारे को ये पूछा सरफेस की थिकनेस सेंटर में होगी। अब ये जो थिकनेस है, इसके ऊपर वाली साइड मटेरियल होगा, नीचे वाली साइड, इनर साइड या आउटर साइड,
हमने कहा जी इसके आउटर साइड सर मटेरियल होगा कितनी थिकनेस का होगा, हमने कहा ये 3 mm की थिकनेस का होगा, और उसका एलिमेंट साइड मैश करने के लिए हमारे को एलिमेंट साइज चाहिए होता है, जितना ज़्यादा मैश का साइज़ होगा उतनी एक्यूरेसी कम आएगी, यानी कि हमारे को मैश साइज़ कम रखना होता है। ठीक है, फिलहाल मैं 5 कर रहा हूँ, अदरवाइज वो बहुत सारा टाइम लेगा मैश होने में। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम 5 दे रहे हैं, इसको 1 और 2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैश करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये मैश हो जाएगा तो यहाँ पे टिक लगा हुआ आ जाएगा कि हमारा ये मैश कंप्लीट हो गया। मैश एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन करता है कि इसको डीफॉर्म होने के लिए कितनी जगह चाहिए। उसके बाद हम करेंगे इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो कैलकुलेट दबाएंगे तो अब ये देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई, ये 100 तक जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट होने के बाद वो कैलकुलेट कर रहा है कि इसका फ्लैटर में कैसी शेप आनी चाहिए। तो हमारे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्लिक करेंगे। जितनी देर में ये कैलकुलेट कर रहा है उतनी देर हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमांड समझ में नहीं आ रही या आपको ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप मेरे को ईमेल कर दो। ठीक है, हमारा आजकल ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, अगर किसी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है NX की, CNC प्रोग्रामिंग की, मास्टर कैम की, तो वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर सकता है और व्हाट्सएप पे भी हमारे को कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये 100% तक जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी कंप्यूटर की क्या स्पीड है और आपने मैश साइज़ कितना दिया है, कंपोनेंट का साइज़ क्या है, मटेरियल क्या है, तो उसमें डिफॉर्मेशन एरिया जो है वो कैसा है, तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हर एक ट्रायंगल को इसने कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत ही बढ़िया कमांड है किसी भी सॉफ्टवेयर में, NX के अलावा आप चाहे सॉलिडवर्क्स में चले जाओ, चाहे आप क्रियो में चले जाओ, ये वाला जो कंपोनेंट है जिसमें फॉर्मिंग हो रखी है उसका फ्लैटर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसमें फ़ायदा ये है कि ये हमारे को रिज़ल्ट भी दिखाता है, इसका स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, स्ट्रेन कहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा और उसका डिफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, थिकनेस में कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो पूरा डिटेल में हम इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो। ये देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये इसने बाउंड्री हमारे को बना के दे दी। अगर मैं इसको शेड चेंज करके दिखाऊँ ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि स्ट्रेस में क्या इफ़ेक्ट पड़ा तो ये देखो यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले ऑन हो गया है ऑटोमेटिकली, डिस्प्ले थिकनेस, तो इस मॉडल के अंदर थिकनेस में कहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, और कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे को वैल्यू नज़र आ रही है। अगर हमारे को इसका देखना है कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा किस जगह पर लगेगा तो वो भी हम देख सकते हैं, इसका डिस्प्ले स्ट्रेन आ रहा है, इसका हमारे पास फ्लैटन शेप आ रही है। ठीक है, और इसकी प्रोफाइल भी आ रही है हमारे पास। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यहाँ पे एक ऑप्शन हाइड होती है रिपोर्ट की, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तैयार होने लग जाएगी। ये एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है कि आपको बेस्ट व्यू कहाँ पे नज़र आ रहा है इसका, तो वो आप देख के इसको ओके कर दो। फिर वो अभी फिर वो पूछेगा थिकनेस का, ये थिकनेस का पूछ रहा है, तो ये थिकनेस ओके कर दो। उसके बाद ये हमारे से पूछेगा स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस ओके कर दो। ठीक है, ओके, देन इसका फ्लैटन ओके। यहाँ पे दो ऑप्शन बंद हैं इसकी, ये भी मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। ये एक्चुअली होता है स्प्रिंग एक्शन, अगर किसी एरिया पे स्प्रिंग एक्शन लगना है, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ होती है। तो ये भी मैं आपको एक अगले ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल के साथ। ये देखो ये बन गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मटेरियल का भी सारा डिटेल में आती है, इसका मास भी आता है, यंग मॉडुलस भी आता है, पॉइजन रेशो, इनिशियल थिकनेस कितनी है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, फैब्रिकेशन, पूरा मटेरियल की पूरी डिटेल आ रही है यहाँ पे।
और नंबर ऑफ नोड्स जो मैश करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं और कैलकुलेटिंग टाइम कितना लगा, पूरी डिटेल में हमारे को ये एनालिसिस करके दिखा रहा है। ठीक है, और उसको कर देंगे ओके, तो ये हमारा व्यू आ गया। हम सरफेस को हाइड कर सकते हैं, और देखो ये जो है इस बाउंड्री के अंदर ही रहा, इससे बाहर नहीं निकला। ठीक है, आप किसी और मॉडल के ऊपर कोई अपनी बाउंड्री दे के देख सकते हैं, जो हमने उसको दिए थे अंदर वाला वो एरिया भी दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है फिल सरफेस, तो फिल सरफेस में अगर हम ये सारी कर्व सेलेक्ट कर लें तो ये हमारे पास सरफेस आ जाएगी, और इसको मैं थिकन करके 3 mm के थिकनेस दे देते हैं डायरेक्शन ऊपर, तो ये हमारा ब्लैंक साइड आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड थी, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है किसी कमांड में तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी लोग NX सीखना चाहते हैं, मास्टर कैम CNC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, कैड कैम से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर करनी है, हमारे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग होंगे जैन सीखने वाले, तो सिखाने में भी मज़ा आएगा।